दोस्तों आप सबसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बचा लीजिए और आपका भी चैनल डिलीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को जरूर जानिए कि आपका भी चैनल डिलीट होने वाला है। आप लोग कहेंगे कैसे, तो आइए आप सबको आज बता ही देते हैं कि कैसे आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपका चैनल आराम से डिलीट हो सकता है और यूट्यूब इस समय सारे लोगों का चैनल डिलीट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं इसी समय फिलहाल कम से कम 2,000,001 लोगों का और सब्सक्राइबर थे, वो चैनल डिलीट हो गया। तो आप तो जानते हैं कैसे डिलीट हो रहा है, तो आज इसके बारे में ऑल टू ऑल ब्यौरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप सबका भी चैनल डिलीट हो सकता है। अगर आप उस गलती को नहीं करते हैं तो आपका चैनल सेफ रहेगा, अगर गलती करते हैं तो आपका भी चैनल डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छोटा यूट्यूबर है, ये कैसे बताएगा कि हम लोगों को कि मेरा चैनल कैसे डिलीट होगा, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए आज देख लेते हैं। जैसे कि आपको बता दे रहा हूँ, मैं कम से कम साल भर से इस यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा मुझमें। जैसे कि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट से अगर आप सामान कोई मंगाते हैं, अगर उसमें जैसे कि पैक होता है, ऊपर से आप जानते हैं पैक होता है, उसको कहते हैं थंबनेल, और जो अंदर होता है जो सामान होता है वो होता है वीडियो, उसको कहते हैं सामान। जैसे कि उसको कहते हैं वीडियो, सामान पैक रहता है। अगर आप जब फ्लिपकार्ट जब सामान मंगाए हैं, जब उसको आप ओपन नहीं करेंगे, जब उस गत्ते को जब फाड़ कर हटाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना अच्छा सामान है, कितना बेहतरीन सामान है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही थंबनेल है, अगर आपको उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो कितना अच्छा है। तो आइए आज देख लेते हैं कि इस वीडियो में कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फाइन होंगे। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कम से कम नित्या बाबा का चैनल था, ठीक है, वो तो डिलीट हो गया। फिर से उसके बाद से उन्होंने एक और चैनल ओपन किया, उनका जो चैनल है इस पर भी चैनल पर जैसे कि एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है, ये भी चैनल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से इस समय दो से तीन दिन हुआ, एक और चैनल डिलीट हुआ है, उस चैनल पे कम से कम 2,000,000 सब्सक्राइबर थे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं तो आप तो समझ गए होंगे कि कैसे इन लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है। तो आप सबको इसके बारे में ऑल टू ऑल बता रहा हूँ क्यों इन लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है और यूट्यूब जो है क्यों इनका चैनल डिलीट कर रहा है। तो हम लोगों का किस खेत का गाजर मूली है मेरा चैनल, आप तो जानते हैं अभी हम लोग के 200-300-400 सब्सक्राइबर हैं और इनके 2,000,000 सब्सक्राइबर हैं। तो इन लोगों का जब चैनल डिलीट हो जाएगा तो आपका चैनल किस खेत का गाजर मूली है, बताइए आप भी। आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, या मेरा या आपका या किसी का भी चैनल किसी भी टाइम डिलीट हो सकता है। तो आइए आप सबको बताते हैं इसके बारे में कि क्यों इन लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है। देखिएगा, अगर आप हैकिंग से रिलेटेड अगर वीडियो बनाते हैं या किसी को किसी के बारे में बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर वो कोई अगर आप फोन पे बात कर रहा है तो उनका अगर आप किसी का रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं कि इसको हैक कैसे कर सकते हैं, इनका हम बात कैसे सुन सकते हैं कि ये किसके बात की है, अगर ये भी आपको बताना है कि आपका जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी का भी व्हाट्सएप नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी हैकिंग ट्रिक से, अगर इस तरह का आप चैनल पे वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। उसके बाद से अगर आप टाइटल फेक बनाते हैं और वीडियो कोई और रहता है, अगर इस तरह अपने वीडियो में आप बताते हैं तो आपका चैनल भी इस तरह डिलीट हो सकता है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं नित्या और जो है ऐप के रिलेटेड वो ज्यादा बात करते थे और उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद से वो हैकिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाते थे। तो जैसे कि YouTube का जो गाइडलाइन है वो कहता है कि अगर आप हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, हम डिलीट कर देंगे और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो आपका भी चैनल डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे किस तरह का वीडियो नहीं हमको बनाना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो आई होप दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप सब क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप लोगों का ख्याल रखिएगा।